ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। সুশান্ত ম্যানেজার দিশার পরপর মৃত্যুতে জল্পনা। এবিপি আনন্দের হাতে দিশার শেষ ভিডিও। মৃত্যুর রাতেই শুট করা হয়েছিল ভিডিও। ভিডিও শুট করেছিলেন স্বয়ং দিশা সালিয়ান। বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও ভিডিও পোস্ট দিশার। মৃত্যুর আগে হাসি খুশি ছিলেন দিশা। 8ই জুন মুম্বাইয়ের মালাডে মৃত্যু হয় দিশার। আবাসনের 15 তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তার। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दिशा के जेनिटल पर किसी तरह के इंजरी मार्क्स नहीं थे। ये वीडियो इसका प्रमाण है कि दिशा किसी तरह से कोई तनाव में या डर के माहौल में या असुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, दिशा अपने बहुत करीबी लोगों के साथ उस पार्टी में थी। उनका फियांसे और सभी लोग वहाँ उस पार्टी में थे और दिशा को ही चीयर करने के लिए पार्टी रखी थी। दिशा तब खुश लग रही थी, लेकिन जो बातें स्टेटमेंट्स में आई हैं वो ये बताती है कि दिशा जब भी अल्कोहल का सेवन करती थी तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती थी। किसी किसी व्यक्ति के ये एक वो होता है कि कोई अगर अल्कोहल का सेवन करता है तो इमोशंस खुल खुल के बाहर आते हैं, तो दिशा उन्हीं में से एक थी। तो जब उस दिन उन्होंने पार्टी की, पार्टी के बाद उन्होंने अपने दोस्त अंकिता जो लंदन में थी उनसे बातचीत की, तो उनसे बातचीत करके उन्होंने बताया कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और काफ़ी इमोशनल हो गई थी। अंकिता ने भी उन्हें पूछा था कि क्या तुमने शराब का सेवन किया है, तो वो कहीं हाँ मैंने किया हुआ है। अंकिता ये जानती थी कि दिशा शराब के सेवन करने के बाद काफ़ी इमोशनल हो जाती है, ये स्टेटमेंट में आया है। तो बाद में उसी इमोशंस में दिशा ने आत्महत्या की, ये पुलिस का दावा है, पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है। 1 घंटे के इस पीरियड में जब ये इस डांस के बाद में दिशा से बातचीत की गई थी, जो घर में मौजूद जो लोग थे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि दिशा से वो चीयर करने उसको चीयर कर रहे थे, उससे बातचीत कर रहे थे एक बेडरूम में, और बेडरूम में जब वो उनको समझा रहे थे तो उसी समय अंकिता का फ़ोन आया। अंकिता से बात करने के वो मास्टर बेडरूम में चली गई, और मास्टर बेडरूम में अंकिता से बात करने के बाद अचानक से उन्होंने मास्टर बेडरूम की खिड़की से छलांग लगा दी, और वॉचमैन ने बताया कि आखिर कि दिशा जो है वो नीचे पड़ी हुई है। दोस्तों ने फिर उनको उठाकर उन्हीं की कार में से अस्पताल वो ले गए उन्हें, और जहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। तो पुलिस की थियोरी ये है कि वो इमोशनल हो गई थी। 2 थियोरीज हैं, एक तो कुछ पर्सनल लाइफ का मसला था, और दूसरा है कि ज़्यादा जो तनाव का कारण था उनके डील्स को लेकर, जो कंपनी के लिए वो काम कर रही थी उसमें 2 डील्स फेल हो गई थी, तो उस डील्स के प्रेशर में वो काफ़ी थी, और उस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया होगा, कदम लिया होगा, ऐसी है। लेकिन ये वीडियो जो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, दिशा अपने दोस्तों के साथ है, दोस्त यानी उनके फ्यूआंस से और उनके करीबी दोस्तों के साथ है, अन्य कोई भी व्यक्ति इस पार्टी में वहाँ मौजूद नहीं है। जो थियोरीज आ रही थी कि कोई मंत्री या कोई और व्यक्ति उस पार्टी में था और उनको छुपाया जा रहा था, इस वीडियो में ऐसा कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है।